सो हे गाइज, मेरा नाम है संतोष एंड वेलकम टू एसपी के अपडेट। सो आज भी जो मेरे पास काफी सारे अपडेट्स है पूरे यूट्यूब कम्युनिटी से, सो भाई मेरी वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। चलिए बात करते हैं आज की फर्स्ट अपडेट के बारे में। सो आज की हमारी फर्स्ट अपडेट आदि पुरुष मूवी को लेकर। तो क्या आदि पुरुष मूवी को कोई यूट्यूबर एडिट करने वाला है? क्या एक यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इट्स कूवर, ठीक है, ये जो है अपने चैनल पे काफी सारे ऐसी मूवीज के वीएफएक्स वगैरह को रिक्रिएट कर दे, ठीक है। इन्होंने ना आदि पुरुष मूवी को भी वीएफएक्स को रिक्रिएट किया था, अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था। देन आप लोग सारी चीजों के बारे में समझाते हैं कि कैसे आदि पुरुष के मूवी में कोई भी सीजीआई या फिर वीएफएक्स प्रॉब्लम नहीं थी। उस मूवी में प्रॉब्लम थी सिनेमेटोग्राफी की, ठीक है। सिनेमेटोग्राफी अच्छी होती देन टीजर में आपको और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकते थे। देन इसके बाद क्या हो, जैसे ही इन्होंने वीडियो अपलोड किया देन ये वीडियो इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा वायरल होने लग गया। देन काफी सारे लोग इसके नीचे यही कमेंट कर रहे थे कि आदि पुरुष का जो टीजर था ना उससे ज्यादा अच्छे इस यूट्यूबर ने कर दिया उस टीजर को। देन इसी चीज के ऊपर आल्सो लल्लन टॉप ने भी अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया। देन काफी सारे आर्टिकल्स वगैरह भी वहां पर मैं रीड करा, काफी सारे लोगों का यही कहना है कि जो यूट्यूबर है ना आदि पुरुष की टीम ने इस यूट्यूबर से अपनी मूवी को एडिट कराना चाहिए। अगर वीडियो देखना चाहते देन मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा, आप चाहो चेकआउट कर सकते। इसके ऊपर आपके ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से शेयर करना। सो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो नेक्स्ट अपडेट आशीष चंचलानी सेट। सो अभी आपने देखा होगा आशीष चंचलानी के चैनल पे कोई भी वीडियो वगैरह नहीं आ रहा है, ठीक है। सस्ता शास्टैंग आया था लास्ट वीडियो जो कि काफी टाइम पहले आया था। इसी चीज को लेकर काफी सारे लोग उनको बोलते रहते हैं। देन काफी सारे लोग उनके वीडियो के नीचे यही बोलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो कब आएगा कब आएगा। देन काफी सारे लोग उनको हेड कमेंट्स भी आते हैं, जैसे अभी आपने अन अकेडमी का देखा होगा आशीष चंचलानी स्पॉन्सर्ड वीडियो किया था, मतलब वो बोलते हैं पेड प्रमोशन के लिए टाइम मिल जाता है, जो चैनल पर वीडियो डालना उसके लिए टाइम नहीं मिलता तुमको। देन इस तरीके से कंप्लेन वगैरह करते हैं। इसी चीज के ऊपर रिएक्ट करते हो आशीष चंचलानी कल अपने इंस्टाग्राम पर काफी सारे स्टोरीज वगैरह अपलोड करते हैं, वहां पर हेट के बारे में बात करते हैं कैसे कैसे उनको हेट वगैरह मिलता है। वहां पर ये भी बताते हैं वो बहुत ही जल्दी कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट लेके आने वाले जिसपे काफी टाइम से वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ना काफी सारे स्टोरीज अपलोड की है, बट कुछ इंपॉर्टेंट क्लिप आप सभी के साथ में शेयर कर देता हूँ। मैं आपको ये बात भी ऑनेस्टली कहता हूँ, मैं मेरी बात आप सुन लो, अगर समझो मेरे लाइफ में शिफ्ट नहीं भी आया होता, समझो मैं ऐसे ही कॉन्टेंट पोस्ट नहीं कर रहा हूँ सस्ता शार्क टैंक के बाद, तो मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, मैं हमेशा से ये चीज़ मेरी बिलीफ रही है, मैं मेरे चैनल पे डालने के लिए कंटेंट नहीं डालूँ। मैं वहाँ पे वो कोई कबर्ड नहीं है, कोई क्लॉजेट नहीं है जिसमें मेरे को सामान फिट करना है फिक्स का, ऐसा भरते जाने का। और रही बात ये जो टारगेटेड है एक ऐसा 1% ऑफ द ग्रुप है ना जो ऐसा हर बार का है, जो ऐसा हेट करता है। आपको एक बस बात बताता हूँ, हमारी वीडियो आई थी क्रिकेट गली गली की, जिस ऑडियंस जो ऑडियंस मेरे को 2019 से फॉलो कर रही है उनको बात मालूम है उस वीडियो पे बहुत हेट आई थी। उस पर आपको पता है कमेंट्स क्या आते कि आशीष प्लीज़ वीडियो अपलोड करना बंद कर, तू कुछ भी डाल रहा है वीडियो, प्लीज़ ये हर महीने वीडियो डालता है, हमें नहीं पसंद है, टेक टाइम एंड फोकस ऑन क्वालिटी। डज एनीबडी रिमेंबर दैट? हाँ। सो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो नेक्स्ट अपडेट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया से रिलेटेड। सो कल वाली वीडियो मैंने बताया जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था गोवा में, वहां पर जो कश्मीर फाइल फिल्म था ना उसको यहाँ पर ज्यूरी के थ्रू प्रोपोगेंडा एंड वल्गर वगैरह बोल दिया था। देन इसके बाद जो कश्मीर फाइल फिल्म के डायरेक्टर है विवेक अग्निहोत्री अनुपम खेर, इन्होंने अपना अपना ओपिनियन स्टेटमेंट शेयर किया जो कि कल वाली वीडियो मैंने शेयर कर दिया था आप सभी के साथ में। अभी क्या हुआ, काफी सारे यूट्यूबर्स भी आल्सो इसी चीज के ऊपर रिएक्ट की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर पीजे एक्सप्लेन लिखे, वेल एवरीवन इज इनिशियल टू देयर ओपिनियन बट आई डोंट एग्री विद द रिमार्क मेड ऑन कश्मीर फिल्म बाय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया। देन ध्रुव राठी लिखे, बीजेपी टूल किट गैंग सडनली बिकम हाइपर एक्टिव व्हेन देयर फिल्म इज क्रिटिसाइज्ड बट व्हेन कश्मीरी पंडित एक्चुअल राइज देयर इश्यूज दे स्विच टू साइलेंट मोड। देन अभी एन न्यू एक ट्वीट किए थे, डिसलाइकिंग ए फिल्म इज ए चॉइस, सेइंग दैट ए फिल्म शुड नॉट एग्जिस्ट इज ए एजेंडा। तो इसके बारे में आपके क्या ओपिनियन मुझे कमेंट करके जरूर से शेयर करना। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो नेक्स्ट अपडेट अमिताभ बच्चन से रिलेटेड। अमिताभ बच्चन को एक चीज को लेकर कोर्ट जाना पड़ा। क्या होता है, अभी आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन जब से उन्होंने केबीसी स्टार्ट किया, कौन बनेगा करोड़पति स्टार्ट किया, देन उनके नाम सुन की आवाज को लेकर काफी सारे फ्रॉड कॉल जाते लोगों को कि हम केबीसी से बोल रहे हैं, इतने प्राइस आपने वोन कर लिया। देन इस तरीके से काफी सारी कंपनी जो ना टी शर्ट के ऊपर अमिताभ बच्चन की जो फोटो वगैरह यूज कर लेती है, उनको सेल करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती है। देन इसी चीज को लेकर अमिताभ बच्चन जो कोर्ट गए, देन वहां पर जो उन्होंने अपनी आवाज का, अपना नाम का, अपनी फोटो का जो पेटेंट करवा लिया, मतलब किसी को भी अगर उनकी फोटो को, उनका नाम को या फिर उनकी वॉइस को यूज करना है ना, तो अमिताभ बच्चन की जो परमिशन लेनी पड़ेगी। देन अगर वो परमिशन वगैरह नहीं लेते यूज कर लेते उनके आगे जो केस वगैरह हो सकता है। इससे रिलेटेड काफी सारे आर्टिकल्स वगैरह अगर आप रीड करना चाहते हो देन मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दूंगा, आप रीड कर सकते हो। सो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो नेक्स्ट अपडेट UK07 राइडर से रिलेटेड। तो पिछली वीडियोस में बताया तो UK07 राइडर एंड करण तनेजा की कंट्रोवर्सी के बारे में, जो आईफोन की कंट्रोवर्सी के बारे में, आईफोन को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी UK07 राइडर एंड करण तनेजा जो कि शॉप ओनर था उनके बीच में। देन अगर वो कंप्लीट कंट्रोवर्सी आप जाना चाहते हो देन मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया उस कंट्रोवर्सी। देन अभी क्या हुआ ना कि UK07 राइडर कल अपने चैनल पे एक और वीडियो अपलोड किया, देन वहां पर इसी चीज के बारे में बात करते कि उनकी जितनी भी कंट्रोवर्सी थी ना सारी सारी सॉर्ट आउट हो चुकी है, मतलब सारी सारी जो कंट्रोवर्सी खत्म हो चुकी है। इसी को लेकर अपने वीडियोस में कहते
क्या कहते हैं, खुद उनसे ही सुन लीजिए। करण भाई और मेरा सीन यहाँ पर सॉर्ट होता है। पुरानी वीडियोस को लेकर के जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी गाइस, वो इस वीडियो में जाकर के खत्म होती है। करण भाई के एंड से मेरे को मेरा अपने फोन का बिल मिल चुका है एंड मेरे एंड से जितनी भी पेमेंट थी फोन की वो अब क्लियर हो चुकी है। तो जितनी भी ब्रो सेना देख रही है गाइस, जितने भी मेरे फैंस देख रहे हैं, आज के बाद केसिन कवर शॉप्स को हेट मत देना बिकॉज मेरा मैटर सॉर्ट हो चुका है गाइस। और करण भाई इज हियर, फोन का बिल ये रहा गाइस एंड अब फोन के बिल को लेकर के जाएंगे गाइस हम लोग पुलिस स्टेशन बिकॉज वहीं पर फाइनल जो लिखा पड़ी है वो कंप्लीट हो गया बिकॉज ये लीगल मैटर बन चुका था अब, तो फिर हम लोगों को वहां सॉर्ट करना था। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। शब्द क्यारा अडवाणी एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा से रिलेटेड, क्या सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड क्यारा अडवाणी शादी करने वाले हैं? क्यारा अडवाणी कल अपने इंस्टाग्राम पर एक रील पोस्ट किए थे, यहाँ पर कैप्शन में लिखी कैन नॉट कीप इट सीक्रेट फॉर लॉन्ग कमिंग सून स्टेट एंड 2nd December। बात क्या भाई, जब मैं कमेंट सेक्शन में रीड करा था काफी सारे लोग यही बोले थे 2nd December को कोई अनाउंस करने वाले हैं, शायद उनकी वेडिंग वगैरह हो सकती है सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ। अभी अपने रूमर्स वगैरह देखे हुए क्यारा अडवाणी सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच में कुछ तो चल रहा है भाई, लव वाला पंगा, शायद उनकी वेडिंग वगैरह वो अनाउंस कर सकते हैं। देन काफी सारे आर्टिकल्स वगैरह भी चाहो तो वीडियो को पोस्ट करके रीड कर सकते हो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो नेक्स्ट लक्ष्य चौधरी सेट, तो लक्ष्य चौधरी ट्रोल के ईशांत शर्मा को लेकर। तो जो ईशांत शर्मा वो एंटरप्रेन्योर एंड यूट्यूबर है, ठीक है। तो क्या हुआ था कि ईशांत शर्मा जो ना एक ट्वीट किए थे यहाँ पर लिखे, विच इंडियन स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर इंस्पायर यू द मोस्ट फॉर मी, इट हैज टू बी श्रीधर वेम्बू आप जो हो एंड भाविन त्रोकिया आप जेटा। देन इस ट्वीट को रीट्वीट करते लक्ष्य यहाँ पर लिखे, भाई इसको कैसे हटाओ अपने टाइमलाइन से, जिस चश्मिस कोडिंग कर रहा था इसके साथ वाले लाइव में एंजॉय कर रहे थे, अब इसने हमारी जिंदगी को नरक बना रखा है ऑनलाइन। सो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। क्रेजी दिप्स रेटेड, मैंने 2 से 3 दिन पहले आपको बताया था अभी एंड न्यूज ना इजिप्ट गए थे, ठीक है, COP27 इवेंट के लिए। देन वहां पर क्या होगा, एक सऊदी अरब का बंदा था जो कि उनके साथ मिसबिहेव किया था, जहां जिस होटल में रुके थे वहां पर, देन काफी बुरा बुरा बोल रहा था इंडिया के अगेंस्ट, को गालियां वगैरह दे रहा था, देन उनको वापस बोला था भाई इंडिया वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। देन इसी को लेकर उन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया, वीडियो का स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम पर स्टोरी में शेयर करते हुए क्रेजी दिप कुछ ये लिखे, क्रेजीज में इज ए रियली ट्रॉमेटाइजिंग फॉर वन, यू वुड नॉट रियलाइज यूर वर्ड कैन इफेक्ट ए पर्सन वेरी डीपली, आई थिंक आई नीड टू स्पीक अबाउट इट, शुड आई मेक ए वीडियो। तो साथ क्रेजी इस चीज के ऊपर वीडियो बहुत ही जल्दी लेके आने वाले हैं। सो बस यार, रही थी आज की सारी सारी अपडेट, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, अपने सभी दोस्तों साथ शेयर करना, आपको वीडियोस कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करा करो, ठीक है, बताया करो एंड इस वीडियो को भी आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करा करो, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए एंड आपको कुछ भी दिक्कत लगती है ना वीडियो तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, ठीक है। एंड अगर आपको वीडियो और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हो और भी ऐसे अपडेट देखना चाहते हो तो कर लेना सब्सक्राइब भी, ठीक है, लिटरली 1 ही सेकंड लगता है भाई, सब्सक्राइब कर लेना।